दिस इज अत्री। वेलकम टू माय चैनल अत्री उस डेन। आज हम बनाएंगे बहुत इजी पतंग जो है मेरे काइट सीरीज का पार्ट 3। और आपको पता है ये इतना इजी है कि आप किसी बड़े की हेल्प के बिना भी इसे बना सकते हो। और ये उड़ता भी बहुत बेहतरीन 100-150 मीटर दूर तक। और ये रहता भी बहुत स्टेडी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम यूज करेंगे A4 शीट, लकड़ी का टुकड़ा, फेविकॉल, सेलो टेप, पूंछ बनाने के लिए स्ट्रिप और धागा या मांजा। तो बनाते हैं पतंग। सबसे पहले A4 शीट लीजिए और उसे हाथ में फोल्ड कीजिए। ऐसे अब पेपर को 2.5 और 5 सेंटीमीटर पे मार्क कर लीजिए और उसे वहां से फोल्ड कर लीजिए। ऐसे सेम दूसरे साइड में भी कर लीजिए। ऐसे उसके बाद ये कुछ प्लेन जैसे दिखेगा। अब इन पार्ट्स को टाइटली चिपका लीजिए। अब इसको ऊपर से यहाँ से और नीचे से यहाँ से सेलो टेप लगा लीजिए। अब स्टिक लीजिए और उसे बड़े वाले साइड के सेंटर में इस तरह से चिपका लीजिए। और याद रखिए कि दोनों साइड में इक्वल जगह हो। ऐसे अब इसे दोनों साइड से टेप लगा लीजिए। ऐसे और बचे हुए पेपर को साइड से काट लीजिए। अब लकड़ी के ऊपर एग्जैक्ट यहाँ पे एक छेद कर लीजिए। फिर उसे 4 इंच जगह छोड़ के यहाँ पे एक छेद कर लीजिए। ऐसे अब हम इसमें धागा बांधेंगे। उसके लिए धागा लीजिए और उसे इस छेद में डाल लीजिए और यहाँ पे एक बटन बांध लीजिए। ऐसे सेम यहाँ पे भी बटन बांध लीजिए। ऐसे अब ऊपर से धागे को ऐसे पकड़िए और ऊपर से भी एक बटन बांध लीजिए। ऐसे अब इस होल में धागा बांध लीजिए। तो दोस्तों मैंने पतली पतली स्ट्रिप्स काट के एक लंबी पूंछ बनाई। तो चलो लगाते इसे हमारे पतंग में और उसे ग्लू से यहाँ पे चिपका लीजिए। ऐसे तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।